लव यू को पश्तो में क्या बोलते हैं? जता सर अमीना को। उसको हम इजड़ा कहते हैं। शी मेल हो गया, ट्रांसजेंडर जो इस तरह के होते हैं ना, जो ना मेल हो फीमेल हो अदर्स में आते हैं, उसको हम इजड़ा कहते हैं। कि आपके अम्मी के जो भाई हैं उनका बहनोई, आपका क्या लगा रिश्ते में? तरबेला की आप कोई अच्छी बात बताएं एक, और एक कोई नेगेटिव पॉइंट बताएं। तरबेला की तो मेरे ख्याल में नेगेटिव बात नहीं होगी और अच्छी बातें बहुत होगी, पर आपको मैं एक बताता हूँ कि यहाँ की जो मछली है वो बहुत फेमस है और यहाँ पे पानी वगैरह है बहुत ठंडा है नहाने के लिए, और तरबेला की खूबसूरती जो है ये भी काफ़ी फेमस। आज तक मेरे एक दोस्त ने पकड़ी थी, वो 25 किलो की थी मछली। वो चले पांच बंदे हो गए। अच्छा, कुरान पाक है, उसकी हर लैंग्वेज में दुनिया में ट्रांसलेशन है, ठीक है, फ्रेंच में, जर्मन में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ठीक है, इसी तरह पश्तो में भी ट्रांसलेशन है कुरान की। तो वो सबसे पहले किसने करवाई थी कुरान पाक की पश्तो में ट्रांसलेशन? जी आपने कभी पश्तो में कुरान पाक की ट्रांसलेशन देखी है? नसीम शाह अच्छा खेलेगा। तो नसीम शाह का बॉलिंग स्टाइल कौन सा है? फ्रंट ओन एक्शन होता है, साइड ओन एक्शन होता है, उसका कौन सा एक्शन है? इंडिया में तो पहले था वो बुमराह, अच्छी बॉलिंग कराता था, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगती थी। यहाँ की जो मछली है वो बहुत फेमस है और यहाँ पे पानी वगैरह है बहुत ठंडा है नहाने के लिए, और तरबेला की खूबसूरती जो है ये भी काफ़ी फेमस है, और डैम भी है यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान का बड़ा डैम है, शायद दुनिया का भी बड़ा है, और ये डैम भी है यहाँ। यहाँ आज पिकनिक मनाने आए हैं? जी आज पिकनिक पे आए। क्या बना रहे हैं? मुर्गी बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा, मछली का आप खुद शिकार भी करते हैं यहाँ पे? जी भाई दोस्त वगैरह करते, मैंने तो नहीं किया, पर इनके साथ कभी कभी आ जाते, कोंडे लगाते, शिकार करते। जी आज तक मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी मछली निकली है? क्या क्या साइज की मछली होती है यहाँ पे? आज तक मेरे एक दोस्त ने पकड़ी थी, वो 25 किलो की थी मछली, वो उसने पकड़ी थी 25 किलो। इतनी नॉर्मल यहाँ पे इतनी बड़ी मछली होती है या कभी कभी इस तरह की निकल आती है? नहीं बस नॉर्मल इस तरह 10 किलो 15 किलो तक होती है नॉर्मल। जी अच्छा यार, तरबेला की आप कोई पॉजिटिव बात बताएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो हमारे ख्याल से इस तरह खास कुछ है नहीं, पॉजिटिव ये है कि बड़ी अच्छी जगह है और फैसिलिटीज़ हैं, और जितना हमने जाने तो अच्छी जगह है। नहीं, फैसिलिटीज़ में क्या चीज़ आ जाती है? मसलन खाने पीने की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं इधर से, और जो मेडिकल वगैरह की, पानी की, गैस की फैसिलिटीज़? जी जी, फैसिलिटीज़ में जो बड़ी बात है, यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हैं और कॉलेज स्कूल वगैरह कॉलोनीज़ के अंदर हैं, और मतलब ये बड़ी बात है कि बाहर जाना नहीं पड़ता, और पानी वगैरह तो आपके सामने ही है, और दूसरी बड़ी बात है कि लोड शेडिंग वगैरह से मतलब वो मसला नहीं होता, और ये चीज़ें। पंजाब वाली साइड में दरबार बहुत है, हर गली में हर जगह दरबार है, तो यहाँ भी कोई दरबार वगैरह है? यहाँ ऐसे दरबार नहीं है सर, बड़ी बड़ी मस्जिद है, दरबार नहीं है यहाँ पे। आपका तो अहले सुन्नत मसलक से होंगे आपकी मस्जिद? अहले सुन्नत वाले, ये तो दिखी नहीं अहले सुन्नत, मतलब हम वो बरेलवी है। बरेलवी मसलक जी। तो यहाँ पे दरबार कोई नहीं है? दरबार नहीं है। आप जाते हैं वैसे दरबार वगैरह पे? हम जाते हैं अपने काजी साहब के पास कभी। ये अलीपुर में जो बड़ा मज़ार है ऊपर, जो मज़ार चोटी पर जो नहीं है, ये ज़ियारत दरबार नाम, ज़ियारत हम उधर कभी कभी जाते हैं, और ये एक असन अब्दाल की तरफ है जो ऊपर जाते। तो अहले तशरीफ ही हैं यहाँ पे? वो नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी मस्जिद नहीं है अहले तशरीफ की? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जगह ना तरबेला में बिजली पानी सब कुछ फ्री है, ऐसी जी ऐसी जगह। और तरबेला में जो बंदा तरबेला में रह के जाते है बाहर ना, उसको उसको आप तरबेला बहुत याद आता है। तरबेला एक बहुत खूबसूरत जगह, अदनान खान ज़्यादा नाम है। तरबेला की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात, क्यों अच्छा लगता है आपको तरबेला? पॉजिटिव तो ये है, यहाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कॉलेजेस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल वगैरह फ्री हैं, उसके अलावा पानी 24 घंटे मौजूद है, बिजली भी है, गैस भी है, तो
दूसरी खास बात यह है कि हमारे लिए क्रिकेट की, हम क्रिकेटर हैं तो हमारे लिए क्रिकेट के ग्राउंड भी मौजूद हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और नेगेटिव कुछ भी नहीं है, एक भी बात नहीं। नेगेटिव तो यहाँ सिर्फ यही है कि बस अपील करना चाहेंगे वापडा से, क्योंकि आप लाहौर से आए, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बस अपील करना। अच्छा ब्रदर, आप कह रहे थे कि मैंने पश्तो में बात करनी है, तो पश्तो का ही आपसे सवाल हो जाता है। जी जी, देखें कुरान पाक है, आप मुस्लिम है ना? जी जी। अच्छा, कुरान पाक है उसकी हर लैंग्वेज में दुनिया में ट्रांसलेशन है, ठीक है, फ्रेंच में, जर्मन में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ठीक है, इसी तरह पश्तो में भी ट्रांसलेशन है कुरान की। तो वो सबसे पहले किसने करवाई थी कुरान पाक की पश्तो में ट्रांसलेशन? जी आपने कभी पश्तो में कुरान पाक की ट्रांसलेशन देखी है? नहीं जी, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक। सॉरी, माइंड में आ रहे लेकिन कंफर्म आइडिया नहीं है। फिर भी क्या आइडिया है कुरान के मुतालिक ऐसे? नहीं मतलब कंफर्म ना हो तो नहीं बताया। नहीं, ट्रांसलेशन की बात है, आपको आइडिया हो गया इस साल में करवाई थी, इस सदी में करवाई थी, इसने करवाई थी? सॉरी, तो आपने कभी कुरान पाक की पश्तो में ट्रांसलेशन में कुरान पाक देखा? मुझे, मैंने देखा नहीं है। अम्मी के जो भाई हैं उनका बहनोई, आपको क्या लगा रिश्ते में? मेरे अम्मी के भाई का बहनोई जी, तो भाई का बहनोई मेरे बुआ में। अच्छा, ये जो शीमेल होता है, ठीक है, जेंडर होती है, मेल होता है, फीमेल होता है, शीमेल होता है, ट्रांसजेंडर होती हैं, तो उसको पश्तो में क्या कहते हैं, पश्तो लैंग्वेज में? खजा नहीं, उसको मतलब हम हिजड़ा कहते हैं उसको पश्तो में, उसको हम हिजड़ा कहते हैं। शीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर जो इस तरह के होते हैं ना, जो ना मेल हो फीमेल हो अदर्स में आते हैं, उसको हम हिजड़ा कहते हैं। अच्छा, आप देखो ये होते तो हमारे भाई हैं ना, ठीक है, किसी ना किसी के भाई होते हैं, ठीक है, मेरा भाई भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, तो अगर आपका भाई ऐसे हो जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे, क्या सलूक करेंगे उसके साथ? नहीं बिल्कुल, उसको घर से नहीं निकालेंगे, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, ये जीन्स में मसला आ जाता है या जो भी हो वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल हरगिज ना हुआ कि हम उसको घर से ही निकाल लें, उसकी तरबियत करेंगे, तालीम उसको देंगे, क्योंकि अभी आजकल तो पाकिस्तान में भी उनकी तालीम भी आ गई है, और दूसरी बात ये है कि उनके अपने कोटे भी होते हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन भी ले सकते हैं, आगे जॉब्स में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज ना हुआ कि हम उसको घर से निकाल लें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैजान हकीम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी फिलहाल एफ एस सी क्लियर हो गई है, अभी इंशाल्लाह एडमिशन लेंगे आगे यूनिवर्सिटी है। उनका बहनोई आपके रिश्ते में क्या लगेगा? मेरे जो अम्मी के भाई हैं उनका बहनोई, उनका बहनोई वो रिश्ते में आपका क्या लगेगा? वो अम्मी का जो भाई है, एक मिनट, अम्मी का जो भाई है मेरे वालिद साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी जेंडर हैं, तो जो शीमेल होते हैं या ट्रांसजेंडर होते हैं उनको पश्तो लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप? हम तो उनको हिजड़ा ही कहते हैं पश्तो में जी। तो हमारी सोसाइटी में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन होते तो वो हमारे भाई हैं ना, ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आपका भाई ऐसे हो जाए तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता होते हुए तो मेरे ख्याल में उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बल्कि नहीं, खुदा ना खास्ता क्यों, लेकिन वो तो जेंडर है ना, देखें जैसे मैं मेल हूँ आप मेल हैं, ठीक है, ऐसे उनका अपना तो इसमें कुछ नहीं है ना, ये तो कुदरत ने उनको जो जेंडर दिया है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, मेरे ख्याल में सख्ती उनके साथ नहीं करनी चाहिए, ये आजकल जो हम सुनने में आ रहे हैं कि घरों से बाहर निकाल देते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, इसमें तो उनका कोई हाथ नहीं है ना उनका कोई कसूर है, तो मेरे बराबर के होने चाहिए। बिल्कुल बराबर के होने चाहिए, क्योंकि आपका कोई ऐसे भाई हो, कोई रिलेटिव हो, तो आप उसके साथ बराबर का सलूक करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल खान। क्या करते हैं? मैं बीएस इंग्लिश, बस अभी ये लास्ट सेमेस्टर है, फिनिश होने वाले। गुड लक। ये तो मामी नहीं है। सॉरी, इतना डीप जाते नहीं हम लोग। अच्छा, ये सोच ले, इतना डीप हम जाते नहीं है वैसे। आपकी अम्मी का भाई, उनका बहनोई, उनका बहनोई, सॉरी। चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा दूसरा सवाल,
अच्छा जैसे मुख्तलिफ जेंडर्स होते हैं, ठीक है, हम मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, शीमेल हैं, ठीक है, तो जो शीमेल होते हैं या ट्रांसजेंडर होते हैं उनको पश्तो लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शीमेल को हम लोग तो स्पेशल बोलते हैं उर्दू में। अच्छा देखें, ये उनका कसूर तो नहीं होता ना, ठीक है, जैसे हम मेल हैं, कुदरत ने हमें भी बना सकता था शीमेल, तो हमारी सोसाइटी में उनके साथ जो सलूक किया जाता है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, कुदरत की बात है बिल्कुल। दूसरा वो तो अपना रोजगार भी कर सकते हैं, ठीक है, रोजगार जिस तरह हम लोग करते हैं, लेकिन वो अक्सर नाच गाना और ये चीज़ें करते हैं। नहीं तो देखिए तो सेवन पे बड़ी बड़ी इमेज पड़ती है ना, बहुत से लोग हैं उनको बहुत कुछ कहते हैं, मतलब रोजगार उन्हें करने नहीं देता ना कोई। लेट्स सपोज अगर आपका भाई है या आपका कोई रिलेटिव है, चाचू का बेटा है, मामू का बेटा है, वो अगर ऐसा हो जाए तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आप उसके साथ बैठेंगे उठेंगे? लाजमी बातें बैठेंगे, अभी क्या करें, रिश्तेदार हमारा, ये तो अल्लाह की तरफ से होते हैं ना ये सब कुछ, तो हम खुद नहीं करते ना, ये तो अल्लाह की तरफ से कुदरत का निज़ाम है, तो हम लोग तो फिर इस तरह नहीं कर सकते कि यार उसको इस तरह एक्सेप्ट करना लाजमी होते हैं, जो भी हो जाते अक्सर बात इस तरह होते हैं हमारे पास जो होते हैं प्रोग्राम वगैरह करते हैं या जो बंदे आते हैं खुसरे वगैरह जिसको पश्तो में हम इसको खुसरा कहते हैं, हिजड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, वो आते हैं, तो बहुत उसके बेटे भी होते हैं लेकिन वो फिर भी नाचते गाते हैं, लेकिन शो के अपना पैसा कमाते हैं, हर किसी का अपना फन होता है, कोई किस तरह इस्तेमाल करते हैं कोई किस तरह। बहुत शुक्रिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। बहुत शुक्रिया, गुड लक। होटल भी मतलब अपना इसी तरफ है, होटल दूसरी तरफ है, वो सामने दीवार है डैम की, है ना? जी जी भाई, बिल्कुल नजदीक है ये तो, है ना, लगती नजदीक है। फोन कितने यार, यकीन जो मैदानी इलाके के लोग हैं ना वो मरते हैं ऐसे मंदिर देखने के लिए। कराची के लोग बर्फ और देखना, आवाज चेक करना, और लाहौर मुल्तान के लोग ना इस पत्थर की आवाज चेक करना, मैं फेंकूंगा ऐसी, आई आवाज, हर सूरत रखनी होती इस जगह पे। हाँ, डैम के बाद क्योंकि पंपिंग करने के लिए ना इनको पानी पुश करने के लिए पानी चाहिए होता है, सही, सर्दियों में खुश्क हो जाता है, सही, तो वो जो फेवरेट बॉलर कौन सा है आपका, स्पिनर हो या फास्ट हो कोई भी हो? नवाज, मोहम्मद नवाज। अच्छा मोहम्मद नवाज का बॉलिंग स्टाइल कौन सा है आपको पता है? नहीं, जैसे होता है ना फास्ट, मीडियम, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, तो उसका बॉलिंग स्टाइल कौन सा है? मीडियम। नहीं मीडियम तो नहीं, नहीं पता। अच्छा चलें, आपने कहा नसीम शाह अच्छा खेलेगा, तो नसीम शाह का बॉलिंग स्टाइल कौन सा है? फास्ट। फास्ट में भी देखो कितने एक्शन होते हैं, फ्रंट ऑन एक्शन होता है, साइड ऑन एक्शन होता है, उसका कौन सा एक्शन है? फ्रंट, फ्रंट ऑन एक्शन। वो फ्रंट ऑन कैसे पता चलता है कि आपका जो है जो बैक फुट है वो कहाँ पे होना चाहिए, उससे पता चलता है फ्रंट ऑन है साइड ऑन है? इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैच ही देखता हूं सिर्फ। कौन सा है, पाकिस्तान में से भी सी, इंडिया में से, दोनों में से कोई एक हो? इंडिया में तो पहले था वो बुमराह, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगती थी, और पाकिस्तान में मुझे शुएब अख्तर अच्छा लगता है, मतलब उसको उनको जो शुएब अख्तर का जो बॉलिंग स्टाइल हमें तो पता है वो फास्ट बॉलर थे, ठीक है, लेकिन उनका साइड ऑन एक्शन है, फ्रंट ऑन एक्शन है, कौन सा एक्शन उसका? मुझे जो फ्रंट वाला था ना, फ्रंट ऑन एक्शन जो था वो, फ्रंट ऑन एक्शन क्या होता है, उसमें क्या पोजीशन होती है बॉलर की? वो बिल्कुल स्ट्रेट कराता था ना फ्रंट, उसका राइट फुट जब वो लैंड करता है तो राइट फुट ये जो ऐसे करते हैं ना, तो ये राइट जो पीछे वाला जो फुट होता है वो ऐसे होता था या ऐसे होता है? वो जो सामने की तरफ वो आते हैं ना, तो कभी आपने कुरान पाक पश्तो ट्रांसलेशन के साथ देखा? नहीं जी, नहीं देखा। इस तरह के कुरान पाक की तकरीबन हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इसी तरह पश्तो ट्रांसलेशन भी है, तो आपको पता है सबसे पहले किसने कुरान पाक को पश्तो ट्रांसलेशन करवाया था? नहीं जी, नहीं पता। नहीं,
चलिए आप वीडियो देखिएगा, एंड में मैं बताऊंगा। यार आई लव यू को पश्तो में क्या बोलते हैं? जतासर अमीना को। आपने बोला किसी को कभी? नहीं। क्यों, कोई मिला नहीं? मिले पर उस एंड तक नहीं पहुंच पाए। चलो ठीक है यार, गुड लक। आप